आज हमारी शादी की सालगिरह है, मुझे पूरे 21 साल हो गए अपने हस्बैंड को जेलते हुए। और गाइस अब आते मेन टॉपिक पे, कि मैंने 30 डेज 30 व्लॉग क्यों तोड़ा। हेलो जनता, आपके बिना हमारा दिन नहीं बनता, तो लो हम आ गए और एक नए व्लॉग के साथ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:37 और जैसा कि आपको मालूम है, मैंने 30 डेज 30 व्लॉग का चैलेंज लिया हुआ था और वो टूट चुका है क्योंकि मैं 3 दिन से वीडियो नहीं डाला हूँ। और इस 30 डेज 30 व्लॉग चैलेंज टूटने का सिर्फ दो मेन कारण है, दो नहीं उसमें से एक मेन कारण है और एक ठीक ठाक कारण है, फिलहाल वो हम आपको बाद में बताते। और आज एक खास दिन, तो चलो बताते क्या है वो खास दिन। तो गाइस स्पेशल दिन है, क्या है आज? आज हमारी शादी की सालगिरह है, मुझे पूरे 21 साल हो गए अपने हस्बैंड को जेलते हुए। पापा पीछे बैठे, पापा आपको कुछ कहना है आपकी सफाई में? नो कमेंट। शादी के बाद आदमी स्पीचलेस हो जाता है, कमेंट्स ही नहीं इनके पास। कोई ना, अपना टाइम भी आएगा। हाँ बेटा, तुम भी नो कमेंट्स पे आने वाले हो। फिलहाल आप कमेंट करके हैप्पी एनिवर्सरी विश कर दो। वैसे ये 21 सालों का सफ़र हमारा बहुत बढ़िया रहा है और आपके आशीर्वाद से आगे भी यूँ ही चलता रहे। 60-70 साल और जी ले तो काफ़ी है, मतलब अब और 60-70 साल। आप ऐसे ही खाना बनाते रहना और आप ऐसे ही है ना फाइनेंस क्लियर करवाते रहना। गाइस एनिवर्सरी के नाम पे आज मुझे पूरी तरह से बावर्ची बना दिया जाएगा। आज एनिवर्सरी पार्टी, वो बना दो, सुबह से शाम तक। ये देखो मैंने बाल भी नहीं बनाए, मैं अभी से शुरू हो गई पार्टी। और दोस्तों इस लॉकडाउन भी चालू हो गया है तो पूरा दिन घर में है, तो अब पेट में तो लॉकडाउन रहता नहीं है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बस शुरू हो गए हम लोग। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है कुछ 11:19, दिख नहीं रहा होगा। अभी मेरे को जाना है आरटीओ, मेरा लाइसेंस कलेक्ट करने। फाइनली गाइस बहुत समय के बाद फाइनली हमको लाइसेंस मिल रहा है, फटाफट चलते और लेके आते हैं। और हाँ गाइस मैं फुल प्रिकॉशन ले रहा हूँ, मास्क पहन लिया और कार में इसके लिए जा रहा हूँ ताकि सेफ्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए। टू व्हीलर में थोड़ा सीधा नहीं लगता तो मैं कार ले ली। फाइनली गाइस हमको हमारा लाइसेंस मिल गया, आफ्टर लॉन्ग वेट मिल गया। मैं तो एक्चुअली कर्नाटका का ही चाहिए था क्योंकि इसका कार थोड़ा प्रीमियम लगता है, कलरफुल दिखता है, दूसरे स्टेट में भी बना सकता है, बट कर्नाटका में रहने वाला है तो भाई कर्नाटका का ही चाहिए अपने को। आफ्टर लॉन्ग वेट हो गया, थोड़ी बहुत हसड़ पसड़ हुई बट आराम से हो गया और फाइनली हमको मिल गया, टेंशन ख़त्म। तो गाइस फाइनली हम घर आ चुके भाई, मतलब मैंने 10 या 12 दिन बाद घर से बाहर निकला और वो भी गाड़ी में, मतलब मज़ा आ गया। मतलब मेरे को बहुत पास में जाना था पर जो मज़ा आया ना गाड़ी चला के, मज़ा आ गया। अभी फटाफट जाता हूँ, नहाता हूँ और फिर देखते, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा वरना डांट पड़ेगी आज। तो गाइस मैं नहा धो के नीचे आ गया, फिलहाल मैं एडिटिंग करता हूँ, उसके बाद लंच करूँगा और बाकी का जो भी दिन में होगा वो मैं आपको बताएंगे, फिलहाल एडिटिंग फटाफट करते हैं। तो गाइस अभी हम करेंगे लंच, लंच में आज आमरस रोटी पपैया। और आज स्पेशल क्या बना है? श्रीखंड। ओहो, जो हम नहीं खाते, हमको पसंद नहीं है। हमको तो बहुत पसंद है, तो खाओ मजे करो, आज आपका ही दिन है। ओके हमारा दिन आएगा,
अच्छा जन्म, तो मतलब तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हारी एनिवर्सरी आएगी जन्मदिन। तो गाइस एक्चुअली मैं एडिटिंग कर रहा था और मैं ना सो गया था, और अराउंड मैं अभी भी नहीं उठता, अभी टाइम हो रहा है 6:31, मैं ना अराउंड 7:15 उठता, बट भाई बाहर की हालत ऐसी हो रही है उठना ही पड़ा। इतनी जोर से बिजली कड़की, मेरी नींद खुल गई और मैं ऐसे भाग के नीचे आया, देखो भाई। तो जनता मैंने सोचा आज इनके एनिवर्सरी के लिए हम आज बनाएंगे केक, बट फिर इन्होंने ही मना कर दिया, क्योंकि भाई अगर मैं अगर किचन में घुस गया एक बार, किचन कबाड़ खाना बन जाए एकदम से। तो क्योंकि अभी है लॉकडाउन और कोई हाउस की हेल्प के लिए नहीं है, हम मुझे अकेले करना पड़ता है, इसलिए मैंने मना। हाँ मतलब एक दिन तो पूरा ही लग जाता अगर मैं काम करता कभी, इधर कुछ इधर कुछ। और एक्चुअली बात बोलूँ, हम केक खा खा के हो चुके बोर, आप हो गए बोर? हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब हाँ तो केक आगे रख देना, बोला यार खाना ज़रूरी है। अभी हमको मन होता कुछ चॉकलेट खाने का, तड़कता भड़कता खाने का, तो अभी डिनर में बन रहा है, मतलब हम बनवा रहे हैं पनीर तंदूरी मोमोज। और गाइज मैंने बोला था कि पनीर, और गाइज मैंने ये भी बोला था कि मैं मोमोज बनवाने में मदद करूँगा, जो कि हरगिज़ नहीं मिली है मुझे, क्योंकि यार एडिटिंग करनी है। इतनी एडिटिंग है, वीडियो तो 4 भी शूट नहीं किए हुए हैं इनके चैनल में। एक आएगा अच्छा वीडियो, मैं पहले वो वीडियो रिलीज करूँगा फिर यहाँ, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, जाके देखना। तो जनता फाइनली हमारे पनीर है क्या हमारे? हाँ, पनीर पनीर नहीं था ये। तो जनता हमारे तंदूरी मोमोज बन चुके हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है थाली पे मत जाओ यार, थाली पे मत जाओ, टेस्ट पे जाएंगे अपन। कॉन्ग्रेचुलेशन आपने कर दिया फाइनली बना दिए, बहुत लफड़े वाले काम है, देखो मेरे बाल ही कहीं चले गए। लोग बाग मेरे को कमेंट करके बोलेंगे देख एनिवर्सरी के दिन ही मेरे से काम करवा। तो गाइस आई एम सॉरी, मगर ना किचन में अगर मैं घुस गया ना तो किचन की तरह होगा ही नहीं, दो तीन दिन है ना उसको घस घस के रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक्सपेरिमेंट्स किए जो काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग हो चुके हैं, तो मेरे को वापस ये रिस्क नहीं लेना। इसमें इश्क नहीं है, हम जो लो चाहे एक बार के लिए वापस खा लेंगे, बट किचन में काम ना ना भाई ना। और गाइस हम बाहर से कुछ भी नहीं लेके आए, क्योंकि भाई बाहर पैंडमिक बहुत ख़राब है, आपको कुछ बोलना है इस पर? पैंडमिक होया नहीं, हमें घर में सब बनाना आता है और हम मज़े ले चुके हैं। फिलहाल अभी हम पनीर मोमोज खाते हैं, बोलते अरे यार तंदूरी मोमोज पनीर बोल रहे थे। तो गाइस हमारा खाना पीना हो गया, बाय गॉड क्या मोमोज बने शानदार। 6 बजे से लगी, 9 बजे निपटी हूँ, ग्रेट सक्सेस। मैं कह रहा हूँ मेरा किलो बढ़ गया होगा, मैं कह रहा हूँ। इसने जो मोमोज खाए, हाँ बस गाइस कभी मैं रिकॉर्डिंग करके चुपके से लीक कर दूंगी। और गाइस अब आते हैं मेन टॉपिक पे, कि मैंने 30 days 30 vlog क्यों तोड़ा। उसके दो मेन कारण है, सबसे पहला कारण है कि हमारे चल रहे थे एग्ज़ाम, तो उसके वजह से ना मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं व्लॉग बना पाऊँगा, एडिट कब करूँगा, तो मैंने ना उसकी वजह से टूट गया। और सेकेंड मेन कारण है, जो सबसे ज़्यादा मेन है, मैं हो गया था थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब, क्योंकि भाई पैंडमिक को देख तो मालूम है चल ही रहा है, बट हमारे आजू बाजू जो देख के मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ। और हम थोड़े सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव है, तो वहाँ पर सब कुछ अपडेट हो रहे, तो बस वो देख देख के, पढ़ पढ़ के, सुन सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं चुपचाप बैठा रहा ना, इन किसी से बात भी नहीं किया मैं तो। ऐसी बात नहीं, वाकई में ऐसे हादसे हो गए आसपास जो देखकर बहुत तकलीफ़ होने लगी, तो हमने भी 2-3 दिन अपना सारा काम रोक दिया, बहुत डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि इंसान है और एक दूसरे का दुख देख के लगता ही है कि भाई ऐसा अपने साथ हो जाए तो कैसा हो। तो ये समय ऐसा ही है कि हम सबको एक दूसरे के काम आना चाहिए, लेकिन घरों में रहिए, घरों में रहकर आपसे जो हेल्प हो सकती है वो कीजिए। ऐसा नहीं कि हेल्प के बहाने आप बाहर दौड़ते फिरे और कोरोना घर में लेके आ जाएँ, ऐसा कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि बहुत टफ टाइम है। और हाँ, इस दौरान में अगर थोड़ा सा भी ईगो माइंड में है तो उसे हटा दीजिए, क्या पता कल हो ना हो। बस मेरे को भी वही बात बहुत हिट कर रही है, सब अब सब सॉर्ट कर देते हैं, मैं भी वही सोच रहा हूँ। और गाइस कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया स्टेप लिया, मतलब दी बेस्ट, ये स्टेप हमको चाहिए ही था। बेंगलोर में हो चुका है लॉकडाउन, मतलब कंप्लीट लॉकडाउन नहीं, नाइट कर्फ्यू है फ्रॉम 9 PM to 6 AM और सैटरडे संडे टोटली बंद, बाहर दिख तो जाओ एकदम भाई, मतलब उल्का पिंड सूझे हुए मिलेंगे। हाँ तो
वो बहुत बढ़िया स्टेप था। और गाइज जिनको अभी भी लगता है कोविड कुछ नहीं है, तो गाइज मैं एक चीज़ बोलता हूँ, वो करो ट्विटर खोलो, मतलब डाउनलोड करो अगर आप नहीं हो तो, एक अकाउंट बनाओ और वहाँ पे ना सिर्फ हैशटैग कोविड इंडिया लिखो, आपको इंडिया की हालत दिख जाएगी क्या हो रहा है। लोग मतलब अगर आपके पास पैसे भी हो ना, आप हेल्पलेस हो, ये स्थिति हो रही है। नहीं पैसों से सब, पैसा बहुत कुछ है सब लोग मानते, पर सब कुछ नहीं है। सारा काम आप पैसे से सॉल्व नहीं कर सकते। कोरोना अमीर गरीब देखकर नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो बिल्कुल नज़दीक में परिस्थितियाँ, और उन्होंने बताया कि वो मतलब एक बॉडी के लिए भी वो कई घंटे खड़े रहे थे। तो ऐसा बहुत लोगों ने फिर हमको बताया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ में भी हुआ कि हम 15-15 घंटे एक बॉडी को लेकर खड़े रहे कि कब ये सारा काम हो। तो ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। जिन लोगों ने अपने फैमिली वालों को खोया है, खैर उनकी हालत तो बहुत ही अलग है, उनका दर्द बहुत अलग होगा, हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग सेफली से घर में हैं वो अपना ध्यान रखें। तो गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, घर में रहो, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम वापस मिला है बिताओ, बस मजे करो, बाहर जाके कुछ मतलब नहीं, मैं अभी बोल रहा हूँ। सही बात है। और मेरे चैनल पे भी बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आया, उसका रीज़न भी यही है। और उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको डिटेल में थोड़े टाइम बाद ज़रूर बताऊँगी। बस हम मैं ना इसके लिए मैंने भी 30 days 30 vlog नहीं कर पाया, ये मेन दो कारण थे। बट कोई नहीं गाइज, मैं सोच रहा हूँ 30 days 30 vlog हम करेंगे तो नहीं, बट हाँ रेगुलरली व्लॉग्स अपलोड करते रहेंगे। और जो जो मैंने बोला है ना, जैसे फोटोग्राफी का स्टोरी हो गया, मेरी बहन को रिवील हो गया, और जो भी मैंने सोचा ना सब हो जाएंगे। करना है कि नहीं उसके लिए बताओ। हाँ सब लोग पापा पे बैठे, पापा जब आएंगे तो बेइज्जती मेरी होगी। हाँ शांति रखो, एक जन काफ़ी है मेरे लिए। तो बस गाइज आज के व्लॉग के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगर आपके व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, इनकी एनिवर्सरी है तो यार लाइक तो कर दो यार, आज के दिन डिसलाइक मत करना, लाइक ही कर दो। और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, बाजू में बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर दो, ताकि हमारे नेक्स्ट व्लॉग्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। विद दैट सेड गाइज, दिस इज मी प्रयाग शर्मा विथ माई बूढ़ी मॉम, चलो यार आज जवान बना देते, दिस इज मी प्रयाग शर्मा विथ माई यंग मॉम साइनिंग ऑफ। हम आपसे मिलते हैं और एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ बी हैप्पी, बाय। अरियोस अमिगोस, बाय बोलो, बाय। हेल्दी खाना और काढ़ा पीना। अरियोस अमिगोस, अरियोस अमिगोस, बाय। यार ये और जोर से।